एसडीपीआई शिवपुरी द्वारा नगर के मुख्य चौराहे माधव चौक पर पुलवामा हमले में मारे गए देश के जाबाज शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद समस्त कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट तक मौन धारण किया। जिला अध्यक्ष आदिल शिवानी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए आदिल शिवानी ने कहा कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुई इस आतंकी घटना की निष्पक्ष जांच हो और एसडीपीआई इस कायराना आतंकी घटना को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को तलाश कर सख्त सजा देने की सरकार से मांग करती है। उन्होंने कहा कि देश के सैनिकों की तरह ही समर्पित भाव से अपना तन मन और धन देकर देश और समाज हित में पार्टी अग्रिम पंक्ति में रहकर देश को सहयोग प्रदान करने के लिए संकल्पित रहेगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज ही के दिन कुछ दहशतगर्दों ने, कुछ दलों ने एक कायराना हरकत की थी जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, जिसे पुलवामा अटैक के नाम से हम सभी जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है कि इस तरह से हमारे वीर जवानों की शहादत हुई। हम सभी लोग उनको आज कैंडल मार्च के जरिए से भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे देश के रखवाले हैं, यानी हमारे सैनिक सीमाओं पर रहकर हमारी हर तरह से मदद कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हम भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जब भी आवश्यकता पड़ेगी एसडीपीआई पार्टी अपने खूनों की, अपने प्राणों की आहुति देने में इस देश की रक्षा में पीछे नहीं रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।